सीकर जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने अस्तोदी नगर स्थित B12 बिल्डिंग के सेट बैक में तोड़फोड़ की और बिल्डिंग मालिक को 10 दिनों में अपना अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया। 10 दिनों में अगर अवैध बिल्डिंग नहीं हटाई गई तो नगर परिषद अवैध बिल्डिंग हटाएगी, जिसका पैसा बिल्डिंग मालिक से वसूला जाएगा। नगर परिषद कमिश्नर श्रवण कुमार ने बताया कि लोकायुक्त में इस बिल्डिंग की शिकायत थी और लंबे समय से बिल्डिंग में बने सेटबैक को लेकर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बिल्डिंग मालिक की ओर से सेटबैक नहीं हटाया गया, जो गलत बना हुआ था और अवैध था। आज नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अवैध सेटबैक हटाया। क्या कार्रवाई किया? ये तोदी नगर B12 है, उसके अंदर सेटबैक में निर्माण किया गया था। इसमें एक कंप्लेंट कर रखी थी अब्दुल भाई द्वारा, लोकायुक्त परिवार था, तो इसमें सेटबैक पीछे 10 फीट के सेटबैक में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो इसको डेमोलिश किया, बिल्डिंग को अनुपयोगी बनाया, बनाने की कार्रवाई की गई है। और बाकी आवेदक ने एफिडेविट दिया है कि इसमें 10 दिन के अंदर अंदर पूरा, क्योंकि अगर आज जैसे भी लगा के तोड़ते हैं तो आसपास के भवनों को नुकसान पहुंचता है, तो वो अपने हिसाब से अंदर दीवार करके और 10 डेज के अंदर वो उसको सेपरेट कर देगा। किसकी बिल्डिंग है सर ये? ये दिलीप कुमार सोनी जी हैं, उनकी बिल्डिंग है। सीकर सेना भर्ती की मांग को लेकर राजस्थान जाट महासभा ने आज रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन किया। राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष अमित पुनिया ने कहा कि 2 वर्षों से सेना में भर्ती नहीं हो रही है, जिसके चलते युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें कोरोना काल के दौरान 2 साल का आयु वर्ग में फायदा मिले, साथ ही जल्द से जल्द सेना भर्ती कराई जाए, जिससे कि युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिले। शेखावाटी के युवा हमेशा सेना में भर्ती होने के लिए जज्बा रखते हैं और जल्द से जल्द सेना भर्ती कराई जाए। राजस्थान जाट महासभा के नेतृत्व में सेना भर्ती की मांग को लेकर डागमंगला से होते हुए डागमंगला से रैली निकाल के कलेक्टर महोदय को रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिनमें निम्न मांगों को हमने रखा। 2 साल से जो सेना भर्ती नहीं हो रही है, उसके कारण काफ़ी युवा हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं और अपराध की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं, तो रक्षा मंत्री से हमारा निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी सेना भर्ती की जो है वो शुरुआत की जाए, और जिन बच्चों की आयु निकल चुकी है क्योंकि 2 वर्षों से भर्ती नहीं हो पा रही है, तो उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाए और अन्य भर्तियों के जो पद रिक्त पड़े हैं उन पदों पे भी भर्ती निकालने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राजस्थान जाट महासभा सीकर जिला अध्यक्ष अमित पुनिया। सीकर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व नंदमयी विधायक जोगिंदर अवाना ने आज सीकर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य की सरकार को जनहितेशी सरकार बताया तथा गहलोत सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार उनके समाज के लिए बेहतर काम किया है। गुर्जर समाज के लिए वर्ष 2008 में देवनारायण बोर्ड बना था, लेकिन भाजपा सरकार ने गुर्जर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। उनके समय में 73 लोगों की जाने गई और समाज के लिए लोगों ने शहादत दी। कांग्रेस कार्यकाल में 73 डंडे भी नहीं पड़े। आज आरक्षण के चलते हाल ही में जारी RAS की सूची में 44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो रीट में 1031 बच्चों के सिलेक्शन हुए। डॉक्टर और इंजीनियर भी लगातार बच्चे बन रहे हैं। उनके समाज को बेहतरीन काम हो रहे हैं। आज वे अपने समाज के लोगों से वार्ता करेंगे, उनसे सुझाव मांगेंगे और उसके बाद वे मुख्यमंत्री से मिलकर समाज की बात करेंगे। गुर्जर छात्रावास में आयोजित समाज के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और अपने लोगों से मिलकर समाज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बताना चाहेंगे किस तरह की आज मीटिंग आप लेने वाले हैं और क्या अध्यक्ष समाज के लिए कुछ बात? देखिए, पूरे प्रदेश व्यापी हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है, समाज के जो लोग हैं MBC समाज के, उनसे रूबरू में होना, उनसे उनके साथ मीटिंग करना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सप्ताह मुझे निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में जाके MBC समाज के लोगों से आप बात करें, उसी के तहत आज हम लोगों का कार्यक्रम सीकर में लगा है। सीकर में हम लोग आए हैं। अभी हमारे MBC समाज के जो छात्रावास है, गुर्जर छात्रावास, वहाँ पे 1 बजे अभी कार्यक्रम का आयोजन रखा है और उसमें जो सुझाव वहाँ स्थानीय लोगों से आएंगे, उन सुझावों पे पूरी तरह से गौर करके और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूरा प्रस्ताव बना के मैं रखूँगा और उसको फिर लागू करवाने का काम करेंगे। देवनारायण बोर्ड का गठन वर्ष 2008 में हुआ और उसके बाद में पद लंबे समय से चला रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष की मुझे दी, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अब तक लगभग 1555 करोड़ के आसपास का व्यय हो चुका है 2008 से अब तक, और बजट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझसे कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से जो प्रस्ताव आए आप मुझे भेजो,
निश्चित तौर पे एमडीसी वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर हैं और वो इस पे कार्य कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि देवनारायण बोर्ड का जो गठन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य जो था, आप सब जानते हैं कि आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर जो लड़ाई आरक्षण को दिलाने के लिए लड़ी और एक लंबी लड़ाई चली, मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में ये बड़ा एक आंदोलन देखा गया। और उसके बाद में लड़ाई लड़ने के बाद में 73 लोगों ने शहादत भी दी, 73 लोग हमारे इस लड़ाई में शहीद कहूँगा मैं शहीद हुए। और उसके बाद भी आपने देखा कि पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने हमारे किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया। 73 लोगों की शहादत भी हुई, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 73 डंडे भी नहीं चलाए और बुजुर्गों को चाहे वो पीछे 1% का आरक्षण दिया हो या अब इस सरकार ने अभी 4% का आरक्षण दिया हो, 5% आरक्षण दिया। और धन्यवाद इसलिए भी विशेष रूप से मैं कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला जी को, जो हमारे बीच नहीं है, उनकी विशेष कृपा और उनको हमेशा समाज उनका ऋणी रहेगा, एमबीसी समाज, उनको भी मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अभी आरएएस की लिस्ट आई पिछले दिनों, इसमें आरएएस की लिस्ट में हमारे एमबीसी समाज के लगभग 44 के आसपास बच्चे आए जिनकी संख्या पहले बहुत कम होती थी, 2-3-4 इस तरह की संख्या होती थी। अभी जो टीचरों की अभी 2 दिन पहले रीट का जो आया है उसमें लगभग 1031 के आसपास बच्चे एमबीसी समाज के आए हैं। डॉक्टरों की, इंजीनियरों की जो पिछले दिनों जो लिस्ट आई है उसमें हज़ारों बच्चे आए हैं। सचिवालय में जो हमारे 2-4-5 की संख्या में मिलते थे वो भी अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं 35-40 की संख्या में, और तमाम छोटे से लेकर बड़े जो पद हैं सरकारी उन सब पे इसका लाभ मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उनसे भी कहना चाहूँगा कि 9वीं सूची की जो हमारा पेंडिंग चल रहा है लंबे समय से, उसको भी तत्काल वो 9वीं सूची में डालें ताकि इसका प्रॉपर लाभ मिल सके। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे के सौदाबड़ा में गंगा भवन में बुधवार को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर राजेंद्र राठौड़ फैंस क्लब ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। सुबह 9 बजे से ही रक्तदान शिविर में लोग आने लग गए। अमित तिवारी व विकास भास्कर ने बताया कि राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में रक्त की कमी को लगातार देखा जा रहा था, इस आयोजन से ब्लड बैंकों में रक्त पहुंचेगा जो जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। इस हेतु लोगों को प्रोत्साहन करने हेतु और उन्हें सम्मान करने हेतु हेलमेट भी प्रदान किए गए। तरीके से रक्तदान का आयोजन करा नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन पूरे राजस्थान के 200 ग्राम से गाँव में लगभग प्रत्येक जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उसी कड़ी में हमने यहाँ एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में रक्त की कमी रहती है, हमने सोचा कि केक न काट कर कोई रक्तदान टाइप का कार्यक्रम किया जाए जिससे कि क्या है कि लोगों की जान बच सके, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें रक्त काम आ सके। दूसरा हमने उनके साथ हेलमेट रखा है, हेलमेट के माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जो भी कोई मोटरसाइकिल बाइक स्कूटर चलाते हैं वो हेलमेट ज़रूर लगाएं। सीकर जिले के नानोली ग्राम पंचायत बस स्टैंड पर नाला निर्माण को लेकर कई सालों से व्यापारी एवं ग्रामीणजन परेशान थे। नाला निर्माण के लिए एनएचआई विभाग ने एनओसी देकर राहत प्रदान की है। नाला निर्माण की समस्या से मुख्य स्टैंड पर हमेशा कीचड़ भरा रहता था जिससे वाहनों से गंदे पानी के छींटे उछलकर रागीरों के कपड़ों एवं व्यापारियों की दुकानों में जाते थे। इस समस्या को लेकर व्यापारी ग्राम पंचायत से काफी नाराज थे। नाला निर्माण एनएससी को लेकर पिछली पंचायत ने भी बड़ी मशक्कत की थी, लेकिन एनएचआई द्वारा एनओसी नहीं देने पर कार्य अधूरा ही रह गया था। रानोली सरपंच उकार मसैनी चुनाव जीतते ही सबसे पहले नाला निर्माण करने की उन्होंने बात कही थी। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री सरपंच द्वारा कागजी कार्रवाई करके 2 साल से अथक प्रयासों से एनएचआई से एनओसी लेकर नाला निर्माण शुरू किया गया है। सरपंच उकार मल सैनी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया, रानोली बस स्टैंड पर कई सालों से गंदे पानी की निकासी के लिए नाली नहीं थी। रानोली के आसपास के 25 गांवों के लोग परेशान थे। एनएचआई को एनओसी के लिए पत्र लिखा, सभी दस्तावेजों की कमी पूर्ति कर फाइल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास पहुंचाई, कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए। इसी बीच कोरोना आने के कारण काम बीच में ही अटक गया। कोरोना के बाद फिर मिले, साथ ही कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप कर समस्या से अवगत करवाया। इसके बाद फिर एनएचआई के अधिकारियों से मिले, प्लान बनाकर पूरा मामला समझाया। एनएचआई ने पंचायत से समस्या मेल पर मांगी, पंचायत ने मेल कर विभाग को अवगत करवाया। इसके बाद एनएचआई के अधिकारियों ने पंचायत को नाला निर्माण के लिए एनओसी दी। सरपंच ने बताया, पीडी पोदार स्कूल से लेकर बालाजी मंदिर तक सर्विस रोड पर नाली निर्माण करवाया जा रहा है।
व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री का कहना है कि 2016 में जब रानोली सर्विस रोड बनी थी उसके बाद सड़क पर मेन चौराहे पर गंदा पानी भरना शुरू हो गया। व्यापारी पानी भरने की समस्या को लेकर कई बार विरोध कर चुके थे लेकिन एनएचआई ने एनओसी नहीं दी थी। अब पंचायत को नाला निर्माण करवाने की एनओसी मिल चुकी है, इससे व्यापार मंडल को भी फायदा मिलेगा। वर्षों से गंदे पानी जल भराव की समस्या से व्यापारियों के साथ लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। सीकर स्थित पावरफिट जिम में ओपन पावर लिफ्टिंग की चैंपियनशिप का आयोजन आगामी 1 मई को होने जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी नवंबर में हो रहे राजस्थान के सबसे बड़े फिटनेस इवेंट जयपुर फिटनेस फेस्टिवल के तत्वाधान में हो रहा है। ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 15,000 रूपये की राशि इनाम के रूप में वितरित की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग श्रेणियों में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल आदि भी दिए जाएंगे। पावर फिट जिम के सीईओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि पावर लिफ्टिंग में अलग अलग भार वर्ग में पुरुष और महिला वर्ग के लिए बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट एवं स्क्वाट्स की प्रतियोगिता होगी। वहीं तिवारी ने यह भी बताया कि जयपुर फिटनेस फेस्टिवल के जिलावार कार्यक्रम होंगे और सीकर इन जिलावार श्रेणी के होने वाले कार्यक्रम में सबसे पहला है। जिनमें जीतने वाले और अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को आगामी नवंबर में होने वाले मुख्य इवेंट में सीधे एंट्री मिलेगी और वह प्लेयर्स के लिए बेहद अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। जयपुर फिटनेस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर एवं फिटनेस एंटरप्रेनर गिरिराज सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम और पूरे इवेंट के माध्यम से उनका टारगेट राजस्थान के स्पोर्ट्स एथलीट्स को सुनियोजित प्लेटफॉर्म देने का है, जिससे कि राजस्थान को आने वाले दिनों में एक स्पोर्ट्स सपोर्टिव स्टेट के रूप में देखा जा सके। सैनी ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में देश विदेश से अनेक फिटनेस सेलिब्रिटी आदि भी शामिल होंगे एवं नगद पुरस्कार के रूप में लगभग 15,00,000 रूपये के इनाम होंगे। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पावर फिट जिम पर संपर्क किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और मैं हूं पावर फिट जिम सीकर से। आने वाली 1 मई 2022 को एक ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है, जो की हो रही है जयपुर फिटनेस फेस्टिवल के तत्वाधान में। ये जो फिटनेस फेस्टिवल हो रहा है ये राजस्थान का सबसे बड़ा फिटनेस फेस्टिवल होने वाला है, जिसके अंदर बॉडी बिल्डिंग से लेके फिजिक और पावर लिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग मैन, इस तरह के अलग अलग कॉम्पिटिशन इसमें रहने वाले हैं। उसी बीच ये जिलेवार कॉम्पिटिशन होंगे, जिसमें कि सबसे पहले सीकर में ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये सीकर में ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रहा है। और बड़ा हर्ष की बात है कि ये पावर फिट जिम को मौका मिला है ये इवेंट होस्ट करने का। तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवेंट में पार्टिसिपेट करने की जो फीस है वो है 500 रुपए अगर आप सिंगल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप फुल पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन, जिसमें कि आपके बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट तीनों होते हैं, अगर आप तीनों इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो 800 रुपए का इसमें जो है वो फीस रहती है। और इसमें लगभग पूरे इवेंट के अंदर हम लोग 15,000 रुपए के नगद इनाम बांटेंगे। जितने भी प्रतिभागी होंगे उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके अलावा मेडल्स, ट्रॉफीज अलग अलग कैटेगरीज में दी जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, चाहे वो किसी भी जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या घर पर ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है ये, जिसके इस डिस्ट्रिक्ट इवेंट के थ्रू आप लोग सीधे जो है जो राजस्थान का सबसे बड़ा फिटनेस इवेंट होने वाला है जयपुर फिटनेस फेस्टिवल, आप वहाँ पे सीधे अपनी एंट्री पा पाएंगे, जो कि नवंबर में होने वाला है। और जो मेरे बहुत ही अजीज और मित्र और भाई, जिसे मैं बोलूँगा गिरिराज सैनी, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जयपुर के अंदर नवंबर में, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े फिटनेस सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पावर फिट जिम को संपर्क कर सकते हैं या फिर आप फोन के थ्रू आप अपनी एंट्रीज को कंफर्म कर सकते हैं। फोन नंबर है 9887911253। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, नंबर है 9887911253। और जो ये इवेंट है ये 1 मई 2022 को होने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी से, धन्यवाद। रतनगर के उपस्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी मंडल रतनगर एवं ठेलासर के सहयोग से इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बराला अस्पताल जयपुर की टीम द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पहुंचकर रक्तदान शिविर का अवलोकन किया तथा सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन यादव के नेतृत्व में लगाए गए इस रक्तदान शिविर में सबसे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के हाथों से केक कटवाया गया। भाजपा के सिंबल से बना हुआ केक सभी रक्तदाताओं में वितरित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर खुशियां व्यक्त की। नगर अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि सुबह से ही शिविर में महिलाओं और युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में महिलाएं और लड़कियां तथा युवाओं ने
रक्तदान करने की होड़ सी मच गई। पहले में की होड़ कार्यकर्ताओं में उत्साह के माहौल के साथ देखी गई। शिविर में अहम भूमिका निभाने वाले गौरव चोटिया, देवेंद्र सिंह राठौर ठेलासर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूनम भार्गव, महिला मोर्चा के अध्यक्ष संतोष परिहार को साफा पहनाकर इनका आभार व्यक्त किया गया। मंडल अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि इस शिविर में भाजपा मंडल ठेलासर रतनगर ने 300 रक्तदान का लक्ष्य रखा था। 300 यूनिट रक्तदान का मानव सेना के लिए रक्त की कमी नहीं रहने देंगे, सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। उपनेता प्रतिपक्ष राठौर ने बताया कि आज रतनगर की जनता ने यह साहस दिखाया कि रतनगर एवं ठेलासर के लोगों ने साबित किया है कि पीड़ित मानवता की सेवा में सबसे बड़ा दान रक्तदान के लिए वे सबसे आगे हैं। यहां के लोग पीड़ित मानव की सेवा में हमेशा आगे रहे हैं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, रतनगर के लोगों की आत्मीयता है, बरसों का प्रेम है। आज मेरे जन्मदिवस के पूर्व दिन वो रक्तदान कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं। ये रक्त जिंदगियों को बचाने का काम करेगा। जरूरतमंद के रगों में जब ये रक्त दौड़ेगा तो उन सारे रक्तदानदाताओं के लिए उसके मन से बड़ी दुआ निकलेगी। आज कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं जा रक्त बरस के, ये तो एक के शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में जाता है। हम उस संगठन के साथ काम करते हैं जो संगठन कहता है कि संगठन ही सेवा है। आज रतनगर मंडल ने इस प्रकार का आयोजन किया, मैं उनको बधाई देने और धन्यवाद देने हैं। आज माननीय स्थानीय विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रतनगर में पहली बार रक्तदान शिविर के अंदर इतना बड़ा संख्या के अंदर महिलाओं की अपार भीड़ और रक्तदान दाताओं की एक से एक होड़ लगी हुई है कि पहले में ऐसा आयोजन रतनगर के अंदर एक अविस्मरणीय आयोजन का सभी भाजपा मंडल रतनगर एवं थेलासर ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा है। और हमारा लक्ष्य होगा कि सबसे बड़ा दान रक्तदान इस रतनगर की जनता एवं थेलासर के लोगों के साथ से कम 300 ये टारगेट के ऊपर हम ब्लड डोनेशन करके राठौर साहब का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आपका नाम? पवन यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष। चूरू के दुदवाखारा गांव के पीएससी में पंचायत समिति सदस्य सुनीता कसवा के नेतृत्व में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर युवाओं व महिलाओं ने 250 यूनिट का रक्तदान किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज जिन युवाओं ने मेरे लिए रक्तदान किया है, इस महादान को मैं अपने जीवन में सदैव याद रखूंगा। रक्तदान करना महादान है। युवाओं द्वारा किया गया रक्तदान दूसरों की जिंदगी को बचाता है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, चंद्राराम गुरी, रणवीर कसवा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह बुडानिया, पूर्व सरपंच महावीर सिंह राठौर, उमेद भाकर, किसान मोर्चा संयोजक पुरुषोत्तम लाल नेहरा व बुंटिया मंडल आईटी संयोजक लेखराम स्वामी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में महावीर पट्टी, नंदलाल शर्मा, समुद्र राम धानक, शीशपाल दास स्वामी, राजेंद्र बुडानिया, ओम प्रकाश जांगिड़, विनोद गढ़वाल, महेंद्र सोनी, बनवारी लाल गढ़वाल, रोहिताश कसवा व नेमीचंद कसवा आदि ने आयोजित की भूमिका निभाई। रक्तदान महादान है और ये महादान मुझे मानने वाले, मुझे जानने वाले दूधवा खरा के वो लोग जिनसे बरसों का रिश्ता है, मैं कहा करता था खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता, ये खून देकर आप मजबूत कर रहे हैं। मैं इन सभी दानदाताओं को, रक्तदानदाताओं को धन्यवाद देने आया हूँ। ये रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये तो एक की धमनियों से निकल कर दूसरी धमनियों में दौड़ता है, जान बचाता है, ये मानवता बचाने का काम कर रहा है। इन लोगों ने जितना अच्छा काम किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पुण्याय का काम है, ये जीवन बचाने का काम है, मैं इनको बधाई देने आया हूँ। तारानगर के ददरेवा गांव के दादा कायमखानी हॉस्टल में विधायक प्रत्याशी राकेश जांगिर के नेतृत्व में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर युवाओं द्वारा 255 यूनिट रक्तदान किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज युवाओं ने मेरे लिए जो ये पुनित कार्य किया है, मैं अपने जीवन में सदैव याद रखूंगा। आपके द्वारा किया रक्तदान किसी के जीवन को बचा सकता है। आप लोगों ने रक्तदान देकर मानवता का संदेश दिया है। सभी को किसी की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, चंद्राराम गुरी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महावीर पुनिया, अजीत राठौड़, विनोद कसवा, सुरेंद्र कसवा, मोहम्मद तैयब, समीर, मोहम्मद कृष्ण सहारण, पप्पू कलाल, दयाराम मेघवाल व राकेश ढाक आदि ने उपनेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। पवित्र भूमि है, गोगा पीर की भूमि है, दानवीरों की भूमि है। दानवीरों की इस भूमि में मेरे जन्मदिवस के पूर्व में जो रक्तदान का शिविर आयोजित किया गया है, सैकड़ों की संख्या में नौजवान रक्त दे चुके हैं, कुछ कतार में लगे हैं, मैं उनको धन्यवाद देने आया हूँ। इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता, ये मानवता की सेवा है। और उस संगठन के साथ मैं जुड़ा हूँ जिसका एक ही नारा है, आवश्यकता पड़ने पर
हमारा संगठन ही सेवा है, सेवा का ये माध्यम के लिए मैं उन सारे दानवीरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट झवर थाना क्षेत्र के धवा गांव में 9 अप्रैल को शाम के 7 बजे दुकान बंद कर जा रहे ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात हुई। ज्वेलर बाबूलाल पुत्र मंगलाराम से लुटेरे 1200 ग्राम सोना और 17 किलो चांदी लूटकर भाग गए। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक कार जाती हुई दिखाई दी। घटना की सूचना मिलते ही बोरानाडा, झवर और लूड़ी से पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए बोरानाडा, लूड़ी और झवर थाना अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में प्रयुक्त कार बालेसर के आसपास देखी गई, जिस पर मुखबिर तंत्र को और विकसित किया गया और वाहन स्वामी अभय सिंह पुत्र चिमन सिंह को चिन्हित किया गया। अनुसंधान के दौरान कुछ और जानकारियां मिली, जिस पर पता चला कि भगाराम पुत्र भानाराम और शिवलाल पुत्र बुधाराम की गतिविधियां संदिग्ध है। शिवलाल ने एक गांव में एक सभा में 50,000 रुपए का मायरा भी भरा है। पुलिस ने सबसे पहले भगाराम को गिरफ्तार किया और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात को कबूल किया है। पुलिस ने शिवलाल प्रकाश और भगाराम को गिरफ्तार किया है। वहीं विक्रम, अभय सिंह और ओम सिंह की तलाश में टीमें जुटी हुई है। विक्रम आला दर्जे का बदमाश बताया जा रहा है और उस पर भी एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने रमेश नाम के ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है, जिसने लूट का माल खरीदा था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों लुटेरों से 428 ग्राम सोना और 11 किलो से अधिक चांदी बरामद कर ली है। 10 अप्रैल की बात है, धवा थाना क्षेत्र में धवा एरिया है, वहां पर एक सुनार के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें एक गाड़ी आई, गाड़ी ने अचानक से सुनार को रोका जो उसकी अपनी बाइक पे जा रहे थे और उनसे जो सामान था वो छीन के लेके गए। उसमें जो एफआईआर में बताया गया है कि 1200 ग्राम सोना और करीब 17 किलो की चांदी थी। इतना ये वारदात होने के बाद हम लोगों ने टीम बनाई। टीम के अंदर जो एडिशनल डीसीपी सरपुर जी के उसमें गाइडेंस में एसीपी बोरानाडा जयप्रकाश, उसके अलावा जो हमारी तीन टीम हम लोगों ने विशेष रूप से बनाई, जिसमें एक एसएचओ झवर के गाइडेंस में, एक एसएचओ मोनी के गाइडेंस में और एक पन्ना राम जी जो कि एसएचओ बोरानाडा आरती दफ्तर तक थे और वहीं पर पोस्टेड है बोरानाडा में, उनकी उसमें बनाई गई। और तीनों टीमों ने काफ़ी प्रयास किया, सारी जो भी सूचना है वो सब संकलित की गई। संकलित सूचना के आधार पर कुछ लोगों के नाम आए, लोगों को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद फाइनली ये जो घटना है ये खुली है। इसमें 6 लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 6 में से 3 जो अभियुक्त हैं वो अपनी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा एक सुनार जो जिसने ये जो सोने का सामान है वो खरीदा था, वो चौथा व्यक्ति, वो भी गिरफ्तार हुआ है। बाकी के जो 3 बचे हुए लोग हैं उनकी दस्तयाबी के प्रयास जारी है। इसके अलावा करीब 400 ग्राम सोना और 11 किलो चांदी ये जो है ये बरामद की जा चुकी है। बाकी का सामान बरामद करने की प्रयास जारी है। पहली दूसरी वारदात नहीं है, ये आदतन अपराधी हैं। इनमें जो विशेष रूप से एक विक्रम उर्फ विक्की करके अपराधी है, ये बालेसर एरिया का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से 20 मुकदमे हैं, ये अभी हमें पकड़ना बाकी है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने लोग पकड़े हैं उनमें से भी उनके भी पहले से क्राइम रिकॉर्ड हैं। तो ये जो जैसे सुनार है इसके ऊपर अपने ऊपर खुद 10 मुकदमे हैं पहले के, और जो बाकी के तीनों लोग हैं उनमें से भी एक के ऊपर पहले से मुकदमे हैं। उसके साथ यहाँ से या ये इन लोगों को अंदाजा था कि ये जो है सामान लेके जाते हैं, मतलब बिकॉज ये रात में, ये शाम के समय में जब बंद करते हैं दुकान तो ये अपना सारा सामान बैग में भर के लेके जाते हैं। 100-150 मीटर की दूरी पर ही घर है, ज्यादा दूरी पर घर नहीं है, पर उतने समय में थोड़ा गलबड़ तो रहती है। इतना सारा सामान लेके जाते हैं तो इतना प्रोटेक्शन नहीं होता, तो उस हिसाब से इन लोगों ने प्लानिंग करी है। बाकी अग्रिम पूछताछ पे क्लियर होगा कि किस तरीके से रैकी करी और किस तरीके से उन्होंने इनको विशेष रूप से टारगेट किया। जिन लोगों को हमने पकड़ा है उनके नाम है, एक का नाम तो शिवपाल है, शिवलाल और प्रकाश। शिवलाल और प्रकाश जो है वो एक दूसरे के भाई हैं, और एक जो है लड़के का नाम है भागाराम।